राहुल ने दिया सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। फ्रेंचाइजी मालिकों की खोली पोल। सबसे बड़े राज से किया पर्दाफाश। सामने आया लीग क्रिकेट का काला सच। केएल राहुल इन दिनों दिलीप ट्रॉफी खेलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो 5 सितंबर से शुरू हो रही दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे और टीम इंडिया में अपनी वापसी के लिए दम भरेंगे। लेकिन दिलीप ट्रॉफी शुरू होने से पहले केएल राहुल ने एक इंटरव्यू दिया है। इसे केएल राहुल का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू माना जा रहा है। इस इंटरव्यू में केएल राहुल ने अपने अंदर का पूरा गुब्बार निकाल दिया है। केएल राहुल ने आईपीएल के काले सच का खुलासा किया है और आईपीएल मालिकों को लेकर कई राज खोले हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता है तो टीम मालिक क्या करते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे केएल राहुल ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट करके बताइए कि आईपीएल में कौन सी है आपकी सबसे पसंदीदा टीम। केएल राहुल ने किया बड़ा खुलासा। केएल राहुल ने खुलासा किया कि आईपीएल टीम मालिक खिलाड़ियों को टीम में लेने से पहले उनके पिछले प्रदर्शन को देखकर ही दाव लगाते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उस सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जैसे कि आप ग्लेन मैक्सवेल को ही देख लीजिए, आरसीबी ने उन्हें 15 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था लेकिन उनका पिछला सीजन निराशाजनक रहा। कैसे खिलाड़ियों को चुनती है टीम। केएल राहुल ने कहा कि आईपीएल के मालिक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, वे खिलाड़ी और टीम पर उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर दाव लगाते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि आप हर गेम जीतेंगे। आप डेटा के आधार पर बेहतरीन खिलाड़ियों को हासिल कर सकते हैं लेकिन उनका मैदान पर प्रदर्शन किस तरह का रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर खिलाड़ी का खेल एक दिन में खराब हो सकता है। गोयनका ने लगाई थी राहुल को फटकार। आपको बता दें कि केएल राहुल के इस बयान को लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका से जोड़कर देखा जा रहा है। आईपीएल 2024 में केएल राहुल की टीम हैदराबाद के खिलाफ बहुत बुरी तरह हारी थी। राहुल का खुद प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में मैच खत्म होने के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका लाइव मैच में राहुल को फटकार लगाते नजर आए। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता, लेकिन संजीव गोयनका के हाव भाव से पता चल रहा था कि वो मैच हारने के बाद राहुल को डांट रहे थे। क्या राहुल को रिटेन करेगी लखनऊ। बाद में संजीव गोयनका और केएल राहुल साथ में डिनर करते देखे गए, लेकिन इन सब के बाद विकेट कीपर के आईपीएल 2025 में एलएसजी छोड़ने की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि टीम दिसंबर में होने वाले मेगा इवेंट में राहुल को रिटेन करेगी या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल को लखनऊ की टीम में रुकना चाहिए? क्या केएल राहुल को सबके सामने अपनी बेइज्जती के बाद लखनऊ से खेलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।